लंबाई 33 फुट, वजन 400 किलो। ये है दुनिया में मौजूद सबसे बड़े सांपों की प्रजाति का एक हिस्सा, जो किसी आम इंसान की सोच से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। आमतौर पर एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन ये विशालकाय सांप मिला था ब्राजील की एक कंस्ट्रक्शन साइट में। जब वहां खड़ी एक इमारत को गिराया गया तो नीचे पड़ा मलबा अपने आप हिलने लगा। ऐसे में जब कुछ मजदूरों ने आगे बढ़कर इसकी वजह जानने की कोशिश की तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य उन्हें देखने को मिला। मलबे के नीचे था ये 33 फीट लंबा एनाकोंडा, जिसे देखते ही सबके हाथ पैर फूलने लगे। मगर वहां मौजूद इंजीनियर ने सूझबूझ दिखाते हुए इसकी पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला क्रेन की मदद से इसे पकड़ लिया। कुछ लोगों ने तुरंत इस भयानक सीन का वीडियो भी बना लिया, क्योंकि इतना बड़ा सांप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हालांकि मलबा गिरने की वजह से ये सांप जिंदा नहीं बच सका था, मगर ये घटना इस बात का सबूत है कि पृथ्वी पर ऐसे कई भयानक और विशाल सांपों की प्रजाति मौजूद है जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो अगर आप भी डेली सोप्स में दिखाए गए नाग नागिनों को रियल लाइफ नाग समझ बैठे हैं तो जरा समझ जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो सांपों को लेकर आपका ये भ्रम तोड़ने वाला है। आज हमारे इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे लार्जेस्ट लिविंग स्नेक्स के बारे में कुछ अनोखी बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। बोआ कंस्ट्रिक्टर 10 से 15 फीट लंबा और 45 किलोग्राम तक वजनी एक विशाल नॉन विनमस हैवी बॉडी वाला सांप है, जो कि मिडिल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और रेगिस्तानी भूमि में पाया जाता है। सांप की ये प्रजाति खास तौर पर अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए जानी जाती है। टैन, रेड, ग्रीन या येलो रंग वाले इन सांपों की बॉडी में डार्क क्रॉस बैंड एंड लाइंस होती हैं, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती हैं। साथ ही अपने शिकार को कुछ मिनटों में मौत के घाट उतार देने के मामले में भी ये सांप काफी तेज होते हैं। बता दें कि ये सांप निशाचर शिकारी होते हैं और शिकार का पता लगाने के लिए ये अपने हीट सेंसिंग पिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये अपनी जीभ को फुलाकर भी शिकार की गंध महसूस कर सकते हैं। मुख्य रूप से जंगली सुअर, हिरन, बंदर और पक्षी इनका शिकार होते हैं। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि बोआ कंस्ट्रिक्टर बेहद ही आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और ये काफी बेहतरीन स्विमर्स होते हैं। हालांकि वो पानी में बहुत ही कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर ही बिताते हैं। येलो एनाकोंडा। पीले रंग का यह खतरनाक सांप दुनिया में मौजूद एनाकोंडा की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है। एक अडल्ट येलो एनाकोंडा की लंबाई 12 से 18 फीट के बीच और वजन 60 किलोग्राम तक हो सकता है। बोआ स्नेक फैमिली का ये सांप खास तौर पर दक्षिण अमेरिका के दलदलों, झाड़ियों और नदियों में पाए जाते हैं। येलो एनाकोंडा एकांत पसंद करने वाले सांपों में से है और ये केवल संभोग के लिए ही इकट्ठा होते हैं। अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़कर डूबने पर मजबूर कर देते हैं। हिरण, पिग्स, मछलियां, कछुए और यहां तक कि मगरमच्छ जैसे जानवर भी येलो एनाकोंडा के भोजन में शामिल होते हैं। वैसे दोस्तों, एनाकोंडा और अजगर जैसे सांपों के नाम तो हम सभी ने सुने हैं, मगर शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें इस तरह के खतरनाक सांपों को करीब से देखने का मौका मिला होगा। और अगर कभी इन सांपों से हमारा सामना हो भी जाए तो हमारा सबसे पहला काम होगा अपनी जान बचाकर भागना। मगर ब्राजील में एक ऐसा किस्सा भी हुआ था जहां लोगों ने ही एनाकोंडा को परेशान करके वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ब्राजील की इस नदी में कुछ लोग घूमने निकले थे कि तभी उन्हें एक नाव के आसपास एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया, जिसका पेट काफी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने हाल ही में किसी बड़े जानवर को अपना निवाला बनाया है। ऐसे में वो लोग इस सांप का वीडियो बनाने लगे। वीडियो में दिख रहा है कि उन लोगों ने कई बार उस सांप को पकड़ने की कोशिश की। जब वो सांप आगे भागने लगा तो ये लोग उसकी पूंछ को पकड़ने लगे। बाद में ये वीडियो काफी वायरल हो गया और कई न्यूज चैनल्स ने इस घटना को कवर किया, जिसके चलते इन लोगों पर सांप को परेशान करने की वजह से $600 का फाइन भरना पड़ा था। इसलिए तो कहते हैं, बेजुबान जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे इस भारतीय अजगर से, इंडियन पायथन। इंडियन पायथन एक गैर विषैला कंस्ट्रिक्टर स्नेक है, जिसकी लंबाई करीब 20 फीट और वजन लगभग 91 किलोग्राम तक हो सकता है। दक्षिण एरिया के रेन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स, झाड़ियां और दलदल इन सांपों का घर होता है। येलो, ब्राउन और क्रीम कलर में डार्क मार्किंग के साथ इन सांपों की स्किन काफी आकर्षक नजर आती है।
बता दें कि अजगर की ये प्रजाति आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकती है और ये काफी अच्छे स्विमर्स भी होते हैं, मगर ये भी अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा जमीन पर ही बिताते हैं। भारतीय अजगर आमतौर पर एकांत पसंद ही होते हैं और सिर्फ रात में शिकार पर निकलते हैं। शिकार का पता लगाने के लिए उनके जबड़ों पर खास हीट सेंसिंग गड्ढे होते हैं। इसके अलावा उसे पहचानने के लिए इनके पास केमिकल रिसेप्टर्स भी होते हैं। शिकार को पकड़ने के बाद इंडियन पाइथन इसे बुरी तरह से दबोचकर मार देते हैं। इन्हें पक्षियों, छोटे मैमल्स और रोडेंट का शिकारी भी माना जाता है। एमेथिस्टाइन पाइथन लंबाई और वजन दोनों के मामले में एमेथिस्टाइन पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक गिने जाते हैं। ये विशालकाय सांप लंबाई में लगभग 27 फीट और वजन में 90 किलोग्राम तक हो सकते हैं। बता दें कि एमेथिस्टाइन पाइथन को स्क्रब पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नॉन वेनमस जीव है। आमतौर पर ये पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। इनके बारे में भी सबसे खास बात यही है कि स्क्रब पाइथन निशाचर होते हैं, जो केवल रात में ही शिकार करते हैं। ये भी उन जानवरों में से हैं जो अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। इनके जबड़े पर हीट सेंसिंग गड्ढे होते हैं। जैसे ही शिकार इनकी पहुंच के अंदर आता है, ये अचानक उस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वैसे अगर पाइथन की बात चल रही है तो हम आपको मेड्यूसा नाम के इस अजगर से भी मिलवा ही देते हैं। 12 अक्टूबर 2011 को कंसास सिटी में ये पाइथन खोजा गया था, जिसकी लंबाई 25 फीट से भी ज्यादा थी। उस दौरान इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। बता दें कि महज 10 साल की उम्र वाले इस पाइथन को उठाने के लिए 15 आदमियों का सहारा लेना पड़ता था। कहा जाता है ये सांप एक बार में करीब 40 किलो का हिरन भी निकल सकता था। तो दोस्तों, मेड्यूसा के लिए ही सही, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े सांप से, अफ्रीकन रॉक पाइथन। नॉन वेनमस अफ्रीकन रॉक पाइथन अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप माना जाता है, जिसकी लंबाई अधिकतम 24 फीट तक हो सकती है। 114 किलो तक वजनी ये विशाल सांप वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका के दलदलों, घास के मैदानों और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अफ्रीकन पाइथन काफी लंबे और भारी शरीर वाले होते हैं। इनकी स्किन पर डार्क पैटर्न्स बने होते हैं, जिससे ये काफी आकर्षक दिखाई देते हैं। बाकी अजगरों की तरह ही अफ्रीकन पाइथन भी अपने शिकार के चारों ओर कुंडली मारता है और फिर उसे दबोचकर मार डालता है। खास तौर पर ये हिरन, बंदरों, सुअरों, छिपकलियों और मगरमच्छों का शिकार करते हैं। बता दें कि हिरण या मगरमच्छ जैसा बड़ा शिकार खाने के बाद ये पाइथन करीब एक साल तक बिना खाए जीवित रह सकते हैं। वहीं ड्राई सीजन के दौरान ये पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि हार्श क्लाइमेट के समय ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन। अधिकतम 32 फीट की लंबाई वाले रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया के लॉन्गेस्ट लिविंग स्नेक कहे जाते हैं। साथ ही ये दुनिया में मौजूद अजगर की सभी प्रजातियों में भी सबसे बड़े होते हैं। इस विशालकाय सांप का वजन करीब 135 किलो तक हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया के रेन फॉरेस्ट, वुडलैंड्स या छोटी नदी पर पाए जाने वाले ये अजगर अपने खास बॉडी कलर के लिए जाने जाते हैं। गोल्ड, ब्लैक और ऑलिव ग्रीन कलर के साथ इनकी स्किन पर काफी इंटरेस्टिंग जालीदार पैटर्न्स होते हैं, जो इन्हें छुपने में भी मदद करते हैं। वैसे तो ये एकांत में ही रहते हैं, मगर स्वभाव से ये काफी एग्रेसिव होते हैं। इन्हें भी निशाचरों में गिना जाता है, क्योंकि ये भी रात में ही शिकार पर निकलते हैं। बंदर, चूहे, हिरन और सुअर जैसे जानवर इनका शिकार होते हैं। बाकी अजगर की तरह ये भी अपने शिकार को जब तक जकड़े रखते हैं, जब तक कि वो सांस लेना बंद नहीं कर देता। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप यानी एनाकोंडा की लंबाई ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 फीट तक बढ़ सकती है, मगर क्या आपने कभी किसी 100 फीट लंबे सांप के बारे में सुना है? अगर इतना लंबा जीव हमारे सामने आ जाए तो सोचिए हमारी क्या हालत होगी। आपको शायद यकीन ना हो, मगर बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के पायलट रेमी वैन लियर तो ऐसी ही एक भयानक घटना का हिस्सा रह चुके हैं। दरअसल साल 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने मिशन से वापस आते समय रेमी को अफ्रीका के जंगलों में अचानक एक बहुत बड़ा सा सांप रेंगते हुए दिखा। ऐसे में उन्होंने तुरंत ऊंचाई से ही उस सांप की कुछ तस्वीरें क्लिक की और फिर उसे नजदीकी शॉप पर ले गए। बाद में उन फोटोज और उस घटना पर रिसर्च की गई तो कहा गया कि सांप की लंबाई करीब 100 फीट हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि सांपों से पंगा लेना बिल्कुल समझदारी का काम नहीं होता। सांप वाकई में इतने खतरनाक होते हैं कि बकरी या हिरन तो क्या, गायों और इंसानों को भी चंद सेकंड में निकल जाए। अब ये तो कोई नहीं जानता कि वो विशालकाय सांप हमारी दुनिया में कभी मौजूद था भी या नहीं, मगर चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले लार्जेस्ट लिविंग स्नेक कौन है।
ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग स्नेक कहलाता है। 20 से 30 फीट लंबाई वाले इन सांपों का वजन लगभग 250 किलोग्राम तक होता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सांप यानी रेटिकुलेटेड पाइथन के वजन की तुलना में भी कहीं ज्यादा होता है। वहीं मादा एनाकोंडा तो पुरुषों से भी ज्यादा बड़ी होती है। साउथ अमेरिका के दलदलों, झाड़ियों और नदियों में पाए जाने वाले इस गैर विषैले सांपों की ऑलिव ग्रीन स्किन काफी आकर्षक होती है। वैसे तो इस विशाल एनाकोंडा को लेकर कई तरह के मिथ फैले हुए हैं, मगर उन सब के विपरीत एक सच और हम इंसानों के लिए खुशखबरी ये है कि ग्रीन एनाकोंडा स्वभाव से मैन ईटर्स नहीं होते। बता दें कि ग्रीन एनाकोंडा को वाटर बोआ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये अपने जीवन का ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं। साथ ही ये हमारी सोच से भी ज्यादा तेज स्पीड से पानी में तैर सकते हैं। इस खतरनाक सांप के बारे में सबसे खास बात यह है कि इनकी आंखें और नाक इनके सिर के ऊपर होते हैं। ऐसे में अगर इनका शरीर पानी में डूबा हुआ रहे तब भी इन्हें देखने और सूंघने में कोई परेशानी नहीं होती। वैसे तो ये एनाकोंडा निशाचर होते हैं, मगर कभी कभी ये दिन में भी शिकार कर सकते हैं। इन्हें जैसे ही अपना शिकार अपने आसपास नजर आता है, ये तुरंत तेज गति से उस पर हमला कर देते हैं और उसे तब तक जकड़ कर रखते हैं जब तक कि उसकी सांसें ना थम जाएं, और फिर ये शिकार को पूरी तरह से निगल लेते हैं। तो दोस्तों, अब कभी भी आप घने जंगलों या झाड़ियों से गुजरें तो जरा सावधान रहना, कहीं ऐसे किसी विशाल सांप से आपका सामना ना हो जाए। और अगर आप पहले से ही ऐसे किसी सांप से दो दो हाथ कर चुके हैं तो वो किस्सा कमेंट के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम लगातार आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।